इनहरविल क्लब मंडलाध्यक्ष प्रीति पारिक और पीडीसी वंदना वर्मा मंगलवार को आधिकारिक यात्रा पर शहर पहुंची। यहां उन्होंने बस स्टैंड क्षेत्र में किलकारी कक्ष की शुरुआत की है। इस कक्ष की सौगात मिलने से उन महिलाओं को मदद मिलेगी जो बस के इंतजार में अपने नवजात को सार्वजनिक स्थल होने से दुग्धपान नहीं करा सकती। इस मौके पर नगरपालिका सीएमओ प्रियंका पटेल सहित क्लब सदस्य मौजूद थे। इसके बाद मंडल अध्यक्ष व पीडीसी राधा कुंज परिसर पहुंची, जहां क्लब अध्यक्ष किरण अग्रवाल, सचिव सुषमा भंडारी आदि के मंडलाध्यक्ष पारिक सहित पीडीसी वर्मा का निर्माणी शैली में स्वागत किया। उन्हें श्रृंगारित बैलगाड़ी में बैठाकर मंच तक ले जाया गया। मारवाड़ी पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। नगर पालिका की तरफ से इसमें सहायता मिलती रहेगी किस प्रकार से? हाँ बिल्कुल, ये जमीन के लिए हमने एनओसी दी थी इनको, यहाँ पे उन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ पे हम थोड़ा सा सोचते हैं इसको बोलने थोड़ा डेकोरेशन वगैरह करें जिससे कि बच्चों को अच्छा लगे और यहाँ चेयर का लगाएंगे। देखिए स्पेशली मैं आपको इनरविल के बारे में बताऊँ, ये इनरविल हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फ्रेंडशिप एंड सर्विस मोटो पर काम करती है और पूरे इंटरनेशनली 108 कंट्रीज़ में ये फैली हुई है। हमारे इंडिया में 27 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और उसमें हम 45,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं। हर डिस्ट्रिक्ट का कुछ अलग नंबर होता है, तो हमारा डिस्ट्रिक्ट 304 है, उसकी मैं डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हूँ। तो मेरे अंडर में पूरे 50 क्लब्स हैं, उसमें से हमारा इनरविल क्लब और खरगोन भी है। आज आप आए, ये नया ओपनिंग हुआ है, और कोई सी नई चीज़ जो खरगोन का आप देने वाले? अभी हम प्लांटेशन करके आए हैं, आगे किरण जी बताएंगे कि इनका क्या प्लान है, क्योंकि मैं अधिकारी का यात्रा पर मुझे ये बताएंगे वही मुझे समझ में आएगा। क्या नाम है आपका? प्रज्ञा पाल, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन प्रेसिडेंट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।